हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड वन ऑफ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कमीशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, विच इज़ कोठारी कमीशन। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, तो जो भी टीचिंग की तैयारी करते हैं उन्होंने सुना ही होगा। तो आज दोस्तों हम करेंगे कोठारी कमीशन, जो 1964-66 में आया था, यानी कि 1964 में काइंड ऑफ बनना शुरू हुआ और 1966 तक ये गया था, मतलब इट टेक टाइम टू कवर। और इसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कोठारी कमीशन है दोस्तों 64-66 का, ये भारत के एजुकेशन को लेकर जो था कमीशन था। ठीक है, और ये देख रहे हैं आपको, ये हैं हमारे कोठारी भाई साहब, ठीक है, चेयरपर्सन इस कमेटी के। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके लिए आ गया कि कोठारी का पूरा नाम ढूंढ के लाओ। गो एंड सर्च व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन के चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं, उनका कंप्लीट नेम क्या है? ठीक है, तो ढूंढ के लाओ। तो आइए देखते हैं इस कोठारी कमीशन को। फोटो आपके सामने है कोठारी सर का, जिन्होंने कमीशन दिया है 64 से 66 तक, और ये बेसिकली भारत के एजुकेशन को लेकर है। तो आइए करना शुरू करते हैं, इसकी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। तो कोठारी कमीशन है, कोठारी इसके चेयरपर्सन हैं, पूरा नाम ढूंढ के लाना है। 1964 में बनना हुआ, 66 तक गया था। इसको हम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई को लेकर कमीशन था। अब आइए दोस्तों इसकी हम रिकमेंडेशंस देखते हैं। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला था उसको अडॉप्ट कर लो। तो इफ़ यू डू रिमेम्बर, जब मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कराया था 1956 का, उसमें मैंने बताया था 61 में नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी हुई थी, तो उसमें एक थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था, जिसमें एक लैंग्वेज इंग्लिश थी, एक हिंदी थी और एक थी रीजनल। ये तीन लैंग्वेज थी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल, है ना, कि हमको ये करना चाहिए एंड ऑल। तो उसको फाइनली एडॉप्ट कर लो जो उसमें कहा गया है, क्योंकि 61 में नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी में वो आया था, तो इसने कहा उसको एडॉप्ट कर लो, वो बिल्कुल सही तरीका है, तो इससे लैंग्वेज का सिस्टम हमारा सही बना रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कंपलसरी और फ्री एजुकेशन कर दो जो 14 साल के बच्चे हैं, यानी कि जो 14 साल तक के जो भी बच्चे पढ़ाई करेंगे उनके लिए कंपलसरी, यानी कि पढ़ना ही पड़ेगा, और फ्री कर दो एजुकेशन, कि उनको फ्री एजुकेशन मिले। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब एक पर्सन अपनी बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन लेता है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस मैन हो, अरबोंपति कमाए, पर अनपढ़ तो नहीं होना चाहिए ना, चाहे वो पढ़ाई की लाइन में जाए चाहे वो बिजनेस की लाइन में जाए, पर इतना नॉलेज तो हो कि वो अनपढ़ नहीं है, सर्वाइव कर पा रहा है। तो उसी के तहत ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि अगर हम कंपलसरी भी कर देंगे और फ्री कर देंगे एजुकेशन को, तो वो अनपढ़ता ख़त्म हो जाएगी। साथ में उन्होंने एक और भी कहा, जो भी हम रिसोर्सेज की वेस्टेज करते हैं, यानी कि एक तो पहले ही जो संसाधन है पढ़ाई से संबंधित वो कम है। पढ़ाई से संबंधित साधन जैसे कि आपको बिल्डिंग चाहिए, टेबल मेज चाहिए, टीचर चाहिए, सब कुछ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, एक तो पहले ही कम है, तो उस चीज़ का मान रखो। अगर कुछ एक्स्ट्रा कहीं पे है वेस्ट ना करो, आप वहीं पे चीज़ें प्रोवाइड कराएं टीचिंग और टीचर से या स्टूडेंट से संबंधित, जहाँ पे उनकी नीड है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा 10+2+3 पैटर्न रखो एजुकेशन का। 10 हो गया आपकी जो 10th आप करते हो मैट्रिक, प्लस टू हो गया जो +1+2 आप करते हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करते हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या जो भी, और +3 हो गया जो हम आगे कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करते हैं, BBA, BCA, BSc, BA, ठीक है, तो BCom। ये उन्होंने कहा कि एजुकेशन का पैटर्न शुड बी 10+2+3। 10 हो गया जो 10th तक हम पढ़ रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, +2+1+2 कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, एंड +3 जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की हो।
इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करनी है, कि जब भाषा की बात आए तो हाउ वी हैव टू डेवलप। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तीनों हो गए हैं ना। तो अभी हम देखेंगे कि लैंग्वेज को कैसे डेवलप करें। तो लैंग्वेज को लेके एक तो ये पॉइंट भी कहा था ना कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट कर लो, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल वाला। इसके अलावा उसने क्या कहा, जब बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे हैं तो आप उनको रीजनल लैंग्वेज पढ़ाओ, ठीक है। यानी कि जब कुछ छोटे हैं या थोड़े से बड़े पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उनकी अपनी रीजन की अपनी मदर टंग है, आप उनमें पढ़ाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसमें कंफर्टेबल होंगे और अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। और नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, नीडफुल स्टेप लेने चाहिए ताकि जो मीडिया ऑफ एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल पे बेहतरीन हो सके। तो स्कूल लेवल पे तो उन्होंने कहा जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी है आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चल सकते हो, जो अभी आपकी मदर टंग है उसके साथ आप कैरी करो। ऑब्वियसली बच्चों को वो लैंग्वेज आएगी, उसमें आप कुछ सिखाओगे तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे, सब माओ सीख लेंगे। पर जब बच्चे फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो उस मोमेंट पर क्या मीडिया हो एजुकेशन का, क्या मीडियम हो एजुकेशन का, क्या मीडियम से पढ़ाना है, क्या लैंग्वेज हमने रखनी है, उसके लिए हम नीडफुल स्टेप लें, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए तो बोल ही दिया रीजनल चलाओ, बात खत्म। पर यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा सच नहीं बोला कि कौन सी लैंग्वेज चलाओ, बल्कि ये कहा कि हमें नीडफुल स्टेप्स लेने हैं ताकि जो मीडिया है एजुकेशन का, एजुकेशन का जो माध्यम है, उसको हम सही कर सकें, ठीक है। इसमें हम वर्नेकुलर में जाना हो, यानी कि अपनी रीजन लैंग्वेज में जाना हो, या इंग्लिश में जाना हो, ये हम सब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें। तो अच्छी बात है, गुड स्टेप। छोटे लेवल के लिए तो रीजनल बेस्ट है, बड़ों के लिए सोचो समझो और आइडियाज़ लाओ। गुड, वेरी गुड कोठारी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने क्या कहा, देखिए कि संस्कृत टीचिंग की भी फैसिलिटी होनी चाहिए स्कूल एंड यूनिवर्सिटी पर। तो देखो संस्कृत को ना कहीं हमने अवॉइड ही कर दिया था, डिफ़िकल्ट है, कर नहीं सकते, टफ है। पर इन्होंने कहा कि संस्कृत भी पढ़ाई जाए स्कूल और यूनिवर्सिटी पे, से छोड़ा ना जाए। मैं अपनी बात करूँ, मैंने संस्कृत पढ़ी है 10th तक, है ना। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इंग्लिश और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए, इस पर भी हम जो है एम्फेसिस दें। यानी कि जब इंग्लिश की बात आ रही है या कोई भी और इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, इंग्लिश भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, और कोई भी और लैंग्वेज हो उस पर भी फोकस करें। खासकर अगर आप KVS स्कूल वगैरह में जाओ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहाँ पर हम फ्रेंच या कुछ और लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्मन एंड ऑल। तो ये बात उन्होंने कही। तो अभी तक संस्कृत की बात किसी ने नहीं कही थी, इसने कहा पढ़ाओ स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या इंग्लिश के अलावा कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात किसी ने नहीं कही थी, जर्मन, फ्रेंच एंड ऑल। तो इसने कहा कि उस पर भी ध्यान दो, उस पर भी एम्फेसिस दो। अगर बच्चा करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, या उसको पता ही नहीं है कि ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऑप्शन दो उसको, फिर वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी हो, और जो भी रूरल या बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे भी स्टडी के रिगार्डिंग बैलेंस बना रहे। यानी कि ना एक इक्वल लेवल हो, जो बड़े हाई पॉश अमीर लोग हैं वो ही ना बढ़े, बल्कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई रूरल यानी कि गांव का इलाका है, या कोई बैकवर्ड, कोई पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे भी बैलेंस रहनी चाहिए, एजुकेशन वहाँ तक भी जानी चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। अगला इन्होंने क्या कहा कि साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पे फोकस करो, ठीक है। और ध्यान रखें कि जर्नल एजुकेशन जो है हमारी स्कूल स्टेज का एक इंटीग्रल हिस्सा बना रहे। ये दोनों, कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान और रिसर्च दोनों का एप्टीट्यूड बच्चों के अंदर आना बहुत ज़रूरी है ना। साइंस हमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताता है, सुपरस्टिशन अंधविश्वास से दूर भगाता है। तो बच्चों के अंदर साइंस होना, साइंटिफिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा जो भी साइंस की एजुकेशन है, या जो रिसर्च वाला पर्सपेक्टिव रहता है, नया नया खोजना, उसे जानना, ये चीज़ें बच्चों में हो, ओके, और बच्चे समझे इसके महत्व को, ओके। और जब कभी भी बच्चे अपने स्कूल स्टेज में हैं, मतलब एंड तक जो स्कूल स्टेज हैं, दोनों स्टेज, दोनों ही चीज़ें, साइंस और रिसर्च, हिस्सा रहना चाहिए। क्योंकि वो एक स्टेज है जब बच्चा डेवलप कर रहा है, वो एक बीज है जो बड़ा होके पौधा बनेगा। तो बचपन से ही स्कूल लेवल पे आप उसको जो सिखा दोगे, आप उसके अंदर जो चीज़ें बिल्ड करा दोगे, वो उसके साथ हमेशा रहेंगी। तो
तो साइंस और रिसर्च ये चीज़ें बच्चों के अंदर बचपन से हों और स्कूल लेवल तक प्रॉपर, जब तक उनका स्कूल ख़त्म नहीं होता प्लस टू तक प्रॉपर आएँ, ताकि ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें देखना, चीज़ों को देखने का रवैया सारा उनका उस हिसाब से बन जाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उन्होंने कहा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इसकी स्टडी पे भी हमको मतलब फोकस करना चाहिए। तो देखो कृषि की बात ऐसे कोई नहीं करता या इंडस्ट्री की बात कोई नहीं करता, पर कोठारी कमीशन जब आया है 64-66 तक, तो यहाँ तक एक बात तो फिक्स थी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें अब इतनी नहीं आएंगी, इंडस्ट्रीज आ रही हैं उस पर चीज़ें बनेंगी, आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ें भी बच्चे सीखें और एग्रीकल्चर जो हमारी रूट्स हैं इंडिया की वो भी सीखें, है ना। तो मतलब नॉर्मल घिसा पिटा नहीं पढ़ाना है, ये चीज़ें भी आप ऐड करो बच्चों के आगे ऑप्शन तो वो जा सकें। तो यहाँ पर एक तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज वाला, संस्कृत की टीचिंग वाला, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाला, ये कुछ पॉइंट अलग से हैं। क्योंकि संस्कृत की टीचिंग की बात, इंग्लिश को छोड़ के कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात किसी ने नहीं की थी, पर ये समझ चुके हैं क्योंकि 1964 की बात है, 30-40 साल और 20वीं सेंचुरी ख़त्म, 21वीं लगने वाली थी, ये फ्यूचर देख पा रहे थे कोठारी सर, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने गाइड किया, है ना। और जो भी हमारा सिलेबस है या करिकुलम है आप जानते ही हैं, डैट शुड गोज ऑन रिविजिंग, डैट शुड गोज ऑन एडिटिंग, मतलब उसमें एडिशन होती रहनी चाहिए, रिवाइज होता रहना चाहिए ताकि बच्चे बेस्ट से बेस्ट पढ़ें। अब जो किताबें हमारे माँ बाप ने पढ़ी थी वो हमने नहीं पढ़ी, जो हमने पढ़ी होंगी हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समय के साथ नॉलेज बढ़ रहा है, नीड्स बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो समय के साथ वो चेंजेस और बदलाव। तो कोठारी सर के लिए क्लैपिंग है, जो भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं बहुत ही उम्दा एंड समय की नीड के अकॉर्डिंग। आगे दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि रिसर्च हो प्रॉपर यूनिवर्सिटी में और उनको इंक्रीज करने के लिए हम सपोर्ट करें, यानी कि यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाते हैं जो भी एमफिल पीएचडी पोस्ट पीएचडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिसर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीएचडी में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सपोर्ट करें, जो भी नीड्स हैं उनको हम सपोर्ट करें। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा नई यूनिवर्सिटी हम बनाएं, क्योंकि पहले तो हमारा फोकस था कि प्राइमरी स्कूल ज़्यादा हो ताकि अनपढ़ कोई ना रहे, सभी पढ़ के निकलें, पर अब इनका टारगेट है कि जो बड़े लेवल की पढ़ाई है वो भी सारे करें, नई नई यूनिवर्सिटी लाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो उनका सपना ही रह गया कि वो कैसे पढ़ेंगे, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी लाओ, उनको एस्टेब्लिश करो, सब बच्चे आगे की पढ़ाई पढ़ सकें। उसके बाद दोस्तों पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स भी होने चाहिए, इनको लार्ज स्केल पे डेवलप करो। कहने का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं फुल टाइम पढ़ सकते या नहीं वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते, तो उनके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन का प्रावधान हो, जैसे आपने नाइट कॉलेज ही सुने होंगे, रात को लगते थे, है ना, या कॉरस्पॉन्डेंस हम पत्राचार के माध्यम से कर लेते हैं, मेरे खुद मास्टर्स इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डेंस हैं, है ना, एज अ प्राइवेट स्टूडेंट है, तो ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। हर बच्चा नहीं उस जगह जाके पढ़ सकता या हर बच्चा नहीं हर टाइम पढ़ सकता, तो चाहे टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दो, पार्ट टाइम एजुकेशन बच्चा कर सके, नहीं वहाँ पे जाके पढ़ सकता, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स हो, इसको बड़े स्केल पे बढ़ाओ। इग्नू एंड ऑल इसी की देन है आने वाले टाइम पे, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका स्टैंडर्ड बहुत सारी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बहुत बेस्ट है, हमको लगता है कि कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो शायद क्या होगा, पर बहुत बेस्ट है इग्नू का लेवल, ऐसे नहीं वहाँ से डिग्री मिलती, तो वो भी तो फिर इसी का है ना, अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऐसे कर लो, तो दिस इज कूडोज पॉइंट, ताकि मतलब पढ़ने और पढ़ाने में कोई रुकावट ना हो, जो पढ़ना चाहे वो आगे बढ़े, जो पढ़ाना चाहे वो भी पढ़ा सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बात की लिटरेरी एंड एडल्ट एजुकेशन, लिटरेरी तो हो गया लिटरेचर को लेकर, साहित्य को लेकर, बुक्स पोइट्री एंड ऑल, एडल्ट एजुकेशन हो गया जो बड़े लोग हैं, जैसे कई बार आता ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो कितने सारे हैं नहीं पढ़ पाए, बढ़ते गए, जिम्मेवारियां बढ़ गई, वो पढ़े नहीं पाते, तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया कि ज़रूरी नहीं है अगर आपने बचपन में नहीं पढ़े हो तो आगे आप पढ़ ही नहीं सकते, इफ़ यू वॉन्ट टू डू स्टडी यू कैन गो अहेड विद इट। इन्होंने एडल्ट एजुकेशन को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, मतलब लोगों को सिर्फ यही मैसेज नहीं जाए कि छोटी उम्र के हैं तो ही पढ़ सकते हैं,
बल्कि ये मैसेज आए अगर आप बड़े भी हो तो भी आप पढ़ सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो ही आप पढ़ सकते हो। इसको प्रमोट किया, लोगों के अंदर फैलाई ये चीज़। और लिटरेरी एजुकेशन भी एक बहुत खास चीज़ होती है दोस्तों। एक होता है कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो ग्रामेटिकल वे से, मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन एंड ऑल, और एक होता है आप लिटरेचर सीख रहे हो, साहित्य, ठीक है। तो साहित्य नो डाउट लैंग्वेज से आया है, पर उसको लिखने का तरीका, जैसे नॉर्मल कहना और एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहना अलग होता है ना, एक अदा अलग है, शब्द अल्फाज बन जाते हैं, दिल का बयान बन जाते हैं। तो कुछ उसको भी बताना, अगर मतलब हो सकता है किसी में छोटा सा बीज हो लिखने का और उसको प्रॉपर लिटरेरी लेवल पे गाइडेंस मिल गई कि अच्छा कैसे साहित्य लिखा जाता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर वो निखर के आगे आ सकता है ना। और आज तो राइटिंग में भी बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अंतिम पॉइंट दिया माइनॉरिटी एजुकेशन। जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है ना आपके, मान लो कोई पॉपुलेशन के आधार पे कम है, सिख है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, या कुछ लोग इसलिए माइनर होते हैं कि उनकी जो भाषा बोले जाने वाले लोग हैं वो बड़े कम होते हैं, उसे हम लिंग्विस्टिक माइनर कहते हैं। जैसे कुछ ट्राइबल एरिया हो गए, आदिवासी लोग हो गए, तो उनकी भी हम पढ़ाई पे फोकस करें। तो ये माइनर वाला तो पहले भी कईयों ने पॉइंट उठाया है। तो देखो ये जो पीछे मैंने यहाँ पे संस्कृत, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर यहाँ पे यूनिक था ना, वैसे ही यहाँ पे ये लिटरेरी वाला पॉइंट और एडल्ट एजुकेशन वाला पॉइंट भी यूनिक है। ये पार्ट टाइम एजुकेशन कॉरस्पॉन्डेंस वाला भी यूनिक है। बाकी सारी चीज़ें तो चलो सभी ने कही हैं। तो कोठारी कमीशन में जो बच गए मुद्दे भी थे ना वो भी निकल के आ गए, और अच्छी बात है, क्लैपिंग, ठीक है। सो दोस्तों ये कोठारी कमीशन के हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं, इसको भी आपने एक बार विकिपीडिया से देख लेना है। और कैसा लगा आपको सेशन? अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो सेशन को थम्स अप करें दोस्तों, लाइक करें वीडियो को, और जस्ट अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में दोस्तों क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं? तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दिया गया है। ये जो कोर्स है इंग्लिश NTA पेपर 2 का, ये मात्र 2499 पे है, और वो भी हमने इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 833 पे निकाल दिया है, ठीक है जी। और इस कोर्स की खास बात क्या है कि इट इज़ नॉट अ सिंगल कोर्स, बट इट इज़ अ बंडल ऑफ कोर्सेज। इसमें आप जाएंगे तो 10 यूनिट हैं इंग्लिश NTA पेपर 2 की, हर यूनिट पे अलग से कोर्स है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, MCQs, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, PYQ, आम क्या हम गुटलियों के दाम, मतलब क्या नहीं है। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रखी गई है, ताकि हर तरीके से, चाहे फास्ट लर्नर है या स्लो, या मान लो कोई मैरिड है, अनमैरिड है, तो कहीं उनके पास समय है नहीं है, मतलब सबको पूरा हेल्प करें और एग्ज़ाम क्रैक होके निकले। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वारी है स्टडी के रिगार्डिंग, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमें व्हाट्सएप करिए, मैं और हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। और इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पे, उनके लिंक्स भी इस वीडियो के साथ हैं, वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो करिए। इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। ध्यान रखिए, हार्डवर्क सब करते हैं, पर हार्डवर्क को स्मार्ट अप्रोच के साथ करना, वो आपको अलग बनाता है लोगों से। और ये जो कोर्स है इंग्लिश NTA पेपर 2 का, इसकी खासियत ऐसी है कि आपको कोई भी एक सिंगल किताब भी नहीं लेनी है। ये सारा जो मैं पढ़ाऊंगी, जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, उसके साथ जो आपको गाइड करूंगी, वो आपने फॉलो करना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज से आपका हो जाएगा। और क्या बोलूँ, दिन के 1 कप चाय के बराबर इसकी फीस है। ओके, टेक केयर, मिलती हूँ जल्दी ही एक और ऑसम ऑसम सेशन के साथ।